Hello everyone, so welcome here, and today we will start a new DPP series, and the topic here is work energy and power, and subtopic work. So as you know, we will solve some last year JEE NEET and CET problems. Okay, so as you can see, I displayed the first question here, and इस question में क्या बोला है आप लोगों को, आप लोग देखो बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है बच्चों की एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है. आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन भी ये एक ऐसा कुछ ब्लॉक है, ठीक है, वो दिख रहा है. तो ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक मास 2 kg का है. कितने केजी का है? मास 2 kg का, और इस पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है. हमको नहीं पता कितना है, आप लोग को दे रखा है अपवर्ड फोर्स, दे रखा है 40 N का. कितना दे रखा है? 40 N का. बच्चों अगर आप लोग इस ब्लॉक पे मैं अपवर्ड फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखना. मैं अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी यही होगा. जैसे मैंने अपवर्ड फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. तो आप लोग को दे रखा है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उस डिस्प्लेसमेंट की हाइट 2 m दे रखी है. कितनी दे रखी है? 2 m एक्चुअली. ओके, डिस्प्लेसमेंट की हाइट दे रखी है 2 m. हाँ बच्चों, आपसे बोला कि वर्क डन निकालने का है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है. अगर कोई बच्चे को थ्योरी में डाउट है तो आप लोग पहले थ्योरी क्लियर करो, ओके, एंड देन गो टू द लाइक देन कम हियर, ओके, एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 40 N. कितनी दे रखी है? 40 N. अच्छा, बिफोर दैट पुटिंग द वैल्यू, लेट मी राइट इन अ मोर जनरल फॉर्म. सो फोर्स की वैल्यू, फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वर्क डन वी डिफाइंड. ओके, सो फोर्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ बच्चों, फोर्स की वैल्यू आप लोगों को 40 N दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर 2 दे रखी है. कॉस थीटा कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पे फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में. ओके, मान लो अगर आपको मैं बताता है, लेट ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट, और ये जो मेरा ब्लैक पेन है ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल कितना होगा बच्चों? एंगल कितना होगा? एंगल 0 होगा इनके बीच में. तो कॉस इनके बीच में थीटा कितना है? 0. तो कॉस 0, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 80 J. क्या हो जाएगा? 80 J, ठीक है. तो ये हो जाएगा आप लोगों का 14 × 2 = 80 J. नाउ हमें क्या करने का है, आप लोग से बोला है सेकेंड पार्ट में वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटी भी निकालना है. अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी का जो पुल लगेगा, ग्रेविटेशन पुल लग रहा है, उसके कारण वर्क डन निकालना है. सोचो बच्चों, ये ब्लॉक पे मैंने अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया, अप्लाइड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन एट द सेम टाइम जो अर्थ है उसको अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है विथ सम फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं, या जिसको वेट बोलते हैं, अपनी तरफ खींच रहा है, टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रहा है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा? फोर्स डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होगा. लेकिन यहाँ पर अगेन एफ एस कॉस थीटा, अगर आप लोग थीटा की वैल्यू बताओगे ना बच्चों, तो आप लोग समझो डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के कारण अपवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे खींच रही है. देखो एंगल कितना होगा, मान लो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटी का जो नीचे वाला डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, तो एंगल कितना है? एंगल है 180 डिग्री. कितना है बच्चों? 180 डिग्री. तो अगर मैं अर्थ के कारण लिखता हूं तो थीटा की वैल्यू है 180 डिग्री. कितनी है? 180 डिग्री. इफ आई पुट द वैल्यू देयर, इट विल बी एफ एस कॉस 180 डिग्री. सो फाइनल आंसर विल बी, F की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, आप लोग निकालोगे एक्चुअल में, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स नहीं हमको निकालना होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 180 डिग्री होता है -1. F की वैल्यू हम लोग ने कितनी ली? mg ली, क्योंकि अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल वेट के बराबर होता है, दैट इज mg, ठीक है. तो मास दे रखा है आपको 2 kg, ग्रेविटी दे रखा है 10, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 m, इनटू में -1, तो ये हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों वर्क डन आप लोगों का, ये जो वर्क डन आएगा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -40 J. कितना आएगा? -40 J. लास्ट टाइम +40 J आया था,
प्लस ऑफ 40 जूल इसलिए आया था क्योंकि इन द लास्ट केस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अर्थ वाले केस में देखेंगे, अर्थ के कारण देखेंगे, तो अर्थ के कारण मान लो यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स नीचे है लेकिन वो ऊपर को जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ अपोजिट डायरेक्शन, हैंस वर्क डन इज माइनस 40 जूल। क्लियर है आप लोगों को? नाउ लेट्स टेक अ थर्ड सेकेंड एग्जाम्पल हियर। अगर कोई पार्टिकल है जो मूव करता है ए पॉइंट टू बी पॉइंट और उस पर फोर्स लगता है 4i प्लस 3j का, तो कितना वर्क हुआ है उस फोर्स के कारण, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है आप लोगों को? तो कैसे बताओगे? ठीक है, तो देखो आप लोगों को पहले उस पॉइंट का r1 वेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? r1 वेक्टर दे रखा है। कितना दे रखा है? कि वो पार्टिकल एक पॉइंट से मूव कर रहा है, मान लो माइनस 2i प्लस में 5j। उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करता है, लेट इट बी आर टू वेक्टर है 4j प्लस में 3k। कितना है? 4j प्लस में 3k। आपको बोला है फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज 4i प्लस में 3j न्यूटन का, तो कितना वर्क डन हुआ होगा, कितना वर्क डन हुआ होगा, कैसे निकालोगे? लिसन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हो। देखो अगर आपको याद होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता है r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर। कैसे आया ये फॉर्मूला? अगर कोई वेक्टर है r1 वेक्टर ये है ना, और ये r2 वेक्टर है दूसरा पोजीशन वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होता है, और आप लोग अगर ट्राइंगल ऑफ एडिशन लगाओगे तो आप लोगों का ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर, निकालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू, तो ये आ जाएगी बच्चों 4j प्लस में 3k माइनस में माइनस ऑफ 2i प्लस में 5j। ये माइनस साइन अंदर को जाएगा, इट विल बी ए 4j प्लस 3k प्लस 2i माइनस में 5j, सो इट विल बी 2i। अब देखो ये दो टर्म है जे जे के, प्लस 4j एक माइनस 5j, तो यहाँ पे बस माइनस j बचेगा और प्लस में 3k। मैंने टर्म्स को रीअरेंज करके लिख दिया, मैथमेटिक्स पार्ट आप करके देखो वो क्लियर होगा। क्लियर है बच्चों? नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल गया है, फोर्स वेक्टर आपको गिवन है, तो आप लोग वर्क डन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करने का है? हमको फॉर्मूला पता है, आपको गिवन है। क्या है गिवन? फोर्स वेक्टर आपको गिवन है। क्या कितना गिवन है? 4i प्लस में 3j। वर्क डन कितना होता है? फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इजी थिंग, फोर्स वेक्टर की वैल्यू रख दो यहां पर 4i प्लस में 3j, डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू है 2i माइनस में j प्लस में 3k। बच्चों तो क्या हुआ था आप लोग को, मैंने डॉट प्रोडक्ट याद होगा कैसे निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, हम लोग एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो जो कंपोनेंट है, मान लो अगर a वेक्टर है, a वेक्टर का कंपोनेंट है एक्स आई एवाई जे एजेड के, और b वेक्टर का कंपोनेंट है बी एक्स आई बी वाई जे एंड बी जेड के, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हम लोग ने पढ़ा था, मैंने इसको आपको डिराइव करके भी बताया था। i का कंपोनेंट i से मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स बी एक्स, j का कंपोनेंट j से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ए वाई बी वाई, एंड k का कंपोनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है तो ए जेड बी जेड। तो दैट वॉज द आंसर आप लोगों का। ठीक है, ये आंसर था, ये हमको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करने का है। तो इसे इरेज कर देता है और यहाँ पे वो अप्लाई करता है फॉर्मूला। ठीक है, सो इट विल बी, देखो 4 का मल्टीप्लाई आई के काय कंपोनेंट से, तो 4 इंटू टू, ठीक है, प्लस 3 का जे का कंपोनेंट जैसे मल्टीप्लाई, मतलब प्लस 3 माइनस में वन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या करा, थ्री का मल्टीप्लाई करा, यहां से प्लस हटाया था, मतलब थ्री का मल्टीप्लाई करा जो जे का कंपोनेंट था माइनस वन के साथ। अब यहां पर बच्चों इस वाले में के का कंपोनेंट नहीं है ना, तो इसको हम लोग जीरो के भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जीरो के यहाँ पे। ठीक है, जीरो के आप लोग लिख सकते हो, अगर आप लोग जीरो के लिखना चाहते हो तो आपको समझने के लिए इजी होगा। फोर आई प्लस थ्री जे प्लस जीरो के लिख दिया मैंने। ओके, क्यों लिखा? सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट। नाउ 3 माइनस 1 ये हो गया,
और यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 0 into 3, ओके। तो वर्क डन हो जाएगा 4 2 8, माइनस में 3, प्लस में 0, तो ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू द 5 of जूल। क्लियर है बच्चों? इजी था। तो ये टाइप का प्रॉब्लम बहुत बार आता है। इसमें एक और टाइप है, कभी कभी आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, तो कहाँ का क्या करना है कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करने का है और इसको सॉल्व कर लेने का है। एक ही फॉर्मूला है जो हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं इस वाले एक्सरसाइज में, इस डीपीपी के अंदर, फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस प्रॉब्लम सिमिलर काइंड ऑफ, जो दूसरे ईयर में आया है। तो देखो आप लोग ये प्रॉब्लम देखो, जो नीट 2013 में आया है, सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम जैसे अभी करा। आपको एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू गिवन है 3i प्लस में जे, आप लोग के नहीं दिया था, आप लोग जीरो के लिए सकते हो। एक्ट ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, मास दे रखा है उस पार्टिकल का 2 kg, हेंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस फ्रॉम, एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेस होता है फ्रॉम पोजिशन 2i+k टू द पोजिशन 4i+3j माइनस में k, यहां पर वो डिस्प्लेस होता है। तो मान लो R1 जो आपको दे रखा है बच्चों, फर्स्ट पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i+k, R2 दे रखा है आपको 4i+3j माइनस में 4i+3j माइनस में k, ओके। आपको ये दे रखा है एंड उसके बाद आपको दिया हुआ है कि वर्क डन निकालने का है कि कितना वर्क डन होगा। तो पहले वर्क डन निकालने के लिए बच्चों आप लोग क्या करोगे, पहले आप लोग डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है R2 वेक्टर माइनस में R1 वेक्टर। आप ये फॉर्मूला यूज करो, देन ये फॉर्मूला यूज करना वर्क डन इक्वल टू द F वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग का जो भी आंसर आता है आप लोग कमेंट डाउन करो। क्लियर है आप लोगों को बच्चों? और बताओ क्या है आंसर, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, सेम एज इट इज कंप्लीटली सेम, ओके। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव। अगर एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, आई थिंक ये इस क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आप लोगों का एक बॉडी है जो कि डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर कवर कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रहा है हमको नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 मीटर, एंड वर्क डन की वैल्यू दे रखी है। इफ द वर्क डन इज 25 जूल, वर्क डन की वैल्यू दे रखी है बच्चों 25 जूल, कितनी दे रखी है 25 जूल दे रखी है। देन एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, फोर्स और डायरेक्शन के मोशन में कितना एंगल होगा। तो देखो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जनरल फॉर्म में एफ एस कॉस थीटा, पुट कर दो जो भी वैल्यू आपको गिवन है। वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 25 जूल, फोर्स की वैल्यू दे रखी है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 10 into में कॉस थीटा 25, 50 cos थीटा, 25/50 = cos थीटा, ओके। तो ये जो हो गया, तो अगर आप लोग कैंसिल करोगे तो बताया था ये, देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 times, है ना। नाउ फर्दर सॉल्व करोगे बच्चों तो मैं आपको बताता है कैसे होगा। जो 1/2 होता है, 1/2, तो देखो क्या बदल गया आपको, 1/2 = cos थीटा मिल गया है। 1/2 cos 60° के बराबर होता है, और ये cos थीटा लिख दिया, और आप लोग इनवर्स फंक्शन लोगे तो 60° = θ आ गया, ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। क्या करा हम लोगों ने, बहुत सिंपल करा, जो भी वैल्यू मैग्नीट्यूड गिवन थी उसको मैंने पुट कर दिया और लास्ट में थीटा की वैल्यू निकाली, और थीटा की वैल्यू आई मेरी 60°। कितनी आई बच्चों, 60°। तो ये इजी प्रॉब्लम था, 1997 में आया है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बच्चों, अगर ये देखो ये वो प्रॉब्लम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में करा है, लेकिन इससे सिंपल वन, क्वेश्चन नंबर लेट इट बी 5 है हमारा, ओके। क्या करा है हम लोगों ने इसमें, आप लोगों को एक फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, बॉडी इज कंस्टेंट टू मूव इन अ वाई डायरेक्शन, बॉडी का सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ
वाई डायरेक्शन में, किसमें है, वाई डायरेक्शन में। मान लो अगर ये डायरेक्शन आपका एक एक्स एक्सिस है, ओके ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सिर्फ ये इसके डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है, आपको दे रखा है। फोर्स वेक्टर जो है वो लग रहा है जो स्पेड माइनस टू आई प्लस 15 जे प्लस 6 के, आपको गिवन है फोर्स वेक्टर। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, जो जो गिवन है वो सोचो ताकि आपको गिवन है। ट्रिक यही है कि जो पहले गिवन है सोचो क्या गिवन है, उसके बाद एक ही फॉर्मूला है आपके पास वर्क फाइंड आउट करने का, फोर्स डॉट में डिस्प्लेसमेंट। डॉट जस्ट नॉट अ नॉर्मल डॉट, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को कितना दे रखा है, 10J के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 10J के बराबर। सो नाउ अगर मैं आप लोग को ये फॉर्मूला लगाता है अगेन, वर्क डन कितना है, आपको वर्क डन निकालने का है, फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 10J क्यों दे रखा है, आप लोग को बोल रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, कंस्ट्रेंट है, सिर्फ y डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिखा वर्क डन फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद आप लोग मुझे बताओगे देखो कैसे होगा सॉल्व, आपको डायरेक्ट वेक्टर पता है तो बस सॉल्व हो जाएगा, इजी है। वर्क डन की वैल्यू आप लोग को दे रखी है, ओ सॉरी वर्क पे मैंने गलती से वेक्टर लगा दिया, सॉरी वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट है। नाउ आप लोग को फोर्स की वैल्यू दे रखी है माइनस में 2i प्लस 15j प्लस में 6k, डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखा है 10j। कितना दे रखा है, 10j। तो आप लोग बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको डिटेल में बताता है थोड़ा, आप लोग इसको लिख सकते हो एक्चुअल में कुछ इस तरह, 0i प्लस 10j प्लस 0k। और आपको डॉट प्रोडक्ट पता है ना, माइनस टू का मल्टीप्लाई होगा जीरो से, आई का कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई, जे का कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई, मतलब 15 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, एंड के का कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई। तो देखो ये टर्म हो गया बच्चों जीरो, ये टर्म भी जीरो, तो नेक्स्ट टर्म है तो वर्क डन हो जाएगा 15 × 10, तो ये हो जाएगा 150 जूल। कितना हो जाएगा, 150 जूल। क्लियर है बच्चों आप लोगों को, ये इजी था ये। Now let's go to the next problem, कि I think ये fast हो रहा है थोड़ा, but actually I'm lagging the time, video lengthy हो जाएगी otherwise, so मैं थोड़ा speed में कर रहा है, लेकिन आप लोग जहाँ पे भी समझ नहीं आता है आप लोग वहाँ पे pause करो video को और देखो मैंने step wise क्या करा है। तो मैं आप लोग को detailed solution बता रहा है, okay? आप लोग exam में इससे कम time में करने का है आपको, वो जितने स्टेप्स आप लोग माइनस कर सकते हो बेस्ट रहेगा, ठीक है। नाउ अगर कोई बॉडी है बच्चों, वो अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो उस पर कितना क्या है, क्या क्या कंडीशन है आपसे पूछा है, कौन सा सही है। तो मान लो ये सर्कुलर पाथ है और बॉडी कुछ इस तरह घूम रही है बच्चों, सर्कुलर पाथ पे जो भी फोर्स लगता है, मान लो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, हमेशा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, मैंने आपको क्लास में भी बताया था थ्योरी क्लास में, और फोर्स इस डायरेक्शन में, तो हमेशा आप लोग देखोगे ना हमेशा एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मान लो अभी यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बात करता हूँ तो फोर्स इस डायरेक्शन में एंड डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमेशा बच्चों क्या हो रहा है, हमेशा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री की एंगल है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करता हूँ, वो जो टुवर्ड सेंटर लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियली लग रहा है, तो हमेशा वो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाता है फोर्स वेक्टर डॉट में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, लेकिन हमेशा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, सर्कुलर मोशन में 90 डिग्री आएगी, मतलब वर्क डन एफ एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है जीरो, क्या होता है जीरो, सो एफ एस इंटू जीरो। बच्चों नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, विल ऑलवेज फाइंड आउट वर्क एज अ जीरो। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, हमेशा हमको वर्क जीरो मिलेगा। क्लियर है आप लोगों को, आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। एंड ये जो टॉपिक है इसका ये लास्ट क्वेश्चन था,
आप लोग को वन मोर थिंग बता देता है कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं यहाँ पर। बाकी ऑप्शन इसलिए गलत हैं, पहली बात वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, आपको बोला है इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी बच्चों हर पॉइंट पे चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन अ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, तो ये पॉइंट भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नो फोर्स एक्ट ऑन इट, बच्चों उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है ये, क्यों? अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रहा है, फोर्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स लग रहा है उस पर, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये भी पॉइंट गलत है, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट सही है। सो दिस इज आवर फर्स्ट डीपीपी बच्चों, आई विल अपलोड नेक्स्ट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट डीपीपी, प्लीज फीडबैक गिव लाइक give me a feedback, this is the first video on this topic so that I can improve it later on. And one more thing, ki aap logo ko kya karne ka hai, pehle sabse pehle theory part karne ka hai and then come to the dpp lectures, this is the pattern aapko follow karne ka hai, theory part dpp, and every day if you solving the 10 problems on a some single topic, small subtopic, आप लोग को कुछ ही टाइम में वो टॉपिक एकदम मास्टरी कर लोगे, आप लोग बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, ठीक है? तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड द एज यूजुअल यूट्यूब थिंग, इफ यू लाइक द वीडियो प्रेस द थंब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ओके, बाय, टेक केयर।